हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे SIP हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग बोलते हैं कि उसको सेल कर पाएंगे नहीं करेंगे। सपोज करो आपने एक साल के लिए SIP लगाया है और बीच में ही आपको सेल करना है, तो चलिए मैं आज दिखाता हूँ कि मेरा SIP ऑलरेडी लगा हुआ है और आज का डेट में मैं सेल करता हूँ, क्योंकि मेरा अभी साल भर नहीं हुआ है फिर भी मुझे उस SIP को नहीं रखना है। तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जाऊँगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर टोटल दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, 4,000 रुपया, करेंट वैल्यू 4,326 रुपया है और रिटर्न देखो कितना अच्छा दिया, 4 मंथ में आपको 8.16 का रिटर्न मेरे को मिला हुआ है। तो देखो इस तरह दिखेगा। आपको देखने के बाद क्या करना है, जाना है अपना पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में जाने के बाद पे व्यू स्टेटमेंट पे करना है। तो जब क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा इस तरह का है, मेरा लगाया हुआ था पैसा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। तो आपको इसको सेल करना है क्योंकि आगे आपको कैरी नहीं करना है, बीच में आपको रखना नहीं है इसको, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड इस तरह खुलेगा। इसमें क्या करना है कि आपका देखो टोटल क्वांटिटी जो है यहाँ पर दिखाएगा, जब आप रिडीम फंड यूज़ करोगे ना तो यहाँ पर दिखाएगा, देखो टोटल यूनिट आपका कितना है 38.19 और करेंट वैल्यू क्या है इसका 113.283 है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कितना नंबर यूनिट यूज़ करना चाहते हैं। सपोज को मेरे को अभी 20 यूनिट यूज़ करना है, तो मैं नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये एक पिन खोजता है, TPIN जिसको बोलते हैं। TPIN से पहले अगर TPIN नहीं मालूम है तो आपको ये BO जो है ID इसको कॉपी कहीं एक जगह कर लेना है। कॉपी हो गया, अभी इसको TPIN में जाएंगे। TPIN डालने के लिए आप मेरे को मालूम नहीं है TPIN नहीं मालूम है तो आपको आके यहाँ पर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। देखो पेस्ट कर दिए, आपका यहाँ पर पैन कार्ड डालना है। सेल करने में बहुत झंझट होता है, आप इजीली नहीं सेल कर सकते हो, अच्छा आपका ID में से कोई दूसरा कोई सेल नहीं कर सकता। देखो इस तरह का जनरेट हुआ, एक OTP आएगा मेरा नंबर में, TPIN जनरेट नंबर पे आ गया, मेरा मोबाइल नंबर पे बोल रहा है कि आ गया ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्लिक हेयर बैक, हम लोग बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अपना जहां हम लोग डैशबोर्ड था वो डैशबोर्ड में जाते हैं कि हम लोग का TPIN यहां पर जनरेट कर दिया गया है। हम लोग का TPIN है 132117, मतलब 132117 यहां पर आना है। आने के बाद फिर अपना व्यू स्टेटमेंट करना है, इस पर क्लिक करना है फंड पर, फिर रिडीम पे जाना है। रिडीम पे आपको जितना यूनिट सेल करना है उतना यूनिट को उसमें डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है पिन करके सेल करना है, अब यहाँ पर आपको TPIN डालना है 177, वेरीफाई हो जाएगा, एक OTP आएगा आपको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई करोगे तो ये क्या दिखाया आपका कि आपका 20 जो क्वांटिटी था वो सेल हो गया। देखो ट्रांजेक्शन अप्रूव, यू कैन बी सेव क्लोज द टैप, इसको टैप को क्लोज कर देना है और जाके अपना पोर्टफोलियो में चेक करना होगा कि मेरा अभी सेल हुआ है कि पूरा का पूरा दिखा रहा है। हालांकि इसमें कुछ टाइम लगता है, तो हमने 38.19 था तो हमने 20 सेल किया है और अभी भी 118.19 का मेरा क्वांटिटी बच रहा है इसमें। तो फिलहाल तो मेरा अभी पूरा का पूरा दिखा रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन अप्रूव हो गया है तो 1 से 2 दिन का टाइम लगता है आपको, 1 से 2 दिन के अंदर में ये आपका क्या करेगा, अप्रूव करके आपका क्वांटिटी का जितना भी पैसा बनता है आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।